अल्मोड़ा में आयोजित खेल महाकुंभ के अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताएं शुरू हो गई हैं। बता दें कि इस आयोजन में 14, 17 और 20 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। साथ ही 26 से 29 अक्टूबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में एथलेटिक्स, कबड्डी, खो खो सहित विभिन्न खेलों में जिले की 10 न्याय पंचायतों से आए प्रतिभाशाली खिलाड़ी अपनी कौशलता का प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी दौरान विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि जिले के खिलाड़ियों ने न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। इसके तहत ही उन्होंने अल्मोड़ा और उत्तराखंड में खेल सुविधाओं की कमी को लेकर चिंता जताई और खेल आयोजनों के लिए विभागीय बजट में बढ़ोतरी की मांग की। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। खेल प्रतिभाएं बहुत हैं और आपने देखा है कि कई लोगों ने हमारे इस पूरे प्रदेश में अल्मोड़ा में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है, लेकिन सरकार को जो हमारी खेल सुविधा है उसके लिए बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। खेल मैदानों को बनाने की आवश्यकता है, उनको और उसका विस्तारीकरण करने की आवश्यकता है, लेकिन उसके साथ साथ जो विभागीय खेल होते हैं उसमें जो और धन मुहैया कराएं, उनको सुविधाएं उपलब्ध कराएं, जिससे कि विभाग वालों को इस तरह की परेशानी ना आए, क्योंकि कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि विभाग को धन आवंटन बहुत कम होता है और ये प्रतियोगिताएं कराने में उनको आर्थिक संसाधनों से जूझना पड़ता है। तो ये है मेरी सरकार से मांग है कि धन की व्यवस्था की जाए।